पहुंच रहे हैं गुरुद्वारे की ओर और ये कुछ ऐसा लेन बना हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपको बाघा बॉर्डर के लिए? आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको प्राइवेट टैक्सियाँ भी मिल जाएगी और गवर्नमेंट के थ्रू एक सिटी टूर बस भी चलाई जाती है। फिलहाल गुरुद्वारे के अंदर हमने एक दिन में ही अमृतसर घूमने का प्लान किया हुआ है, सो हम बस से उतरे और टेम्पो ली और सीधे गोल्डन टेम्पल पहले चले आए हैं। लोगों ने बताया कि आप गोल्डन टेम्पल में अंदर स्नान वगैरह कर सकते हैं, तो चलिए पहले गोल्डन टेम्पल चलते हैं और यहाँ जूते जमा करवा सकते हैं, तो पहले जूते जमा करते हैं और आपके पास अगर छोटा सामान हो तो आप उसको लेकर अंदर जा सकते हैं। हमारे पास छोटा बैग ही है, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको चारों तरफ से गेट मिल जाएंगे, आप जिस भी गेट से इंटर करना चाहे कर सकते हैं। जो लोग सीढ़ी ना उतर पाए उनके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। गोल्डन टेम्पल वाकई बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की यात्रा तो करनी बनती है। गोल्डन टेम्पल जिस सरोवर के बीच है उसको अमृत सरोवर कहते हैं और इस अमृत सरोवर में आप स्नान भी कर सकते हैं और स्नान करेंगे थोड़ा गंदा होगा ही, जिसकी सफाई होती रहती है। हमने वहाँ बने स्नान घर में ही स्नान किया है और तैयार होते हैं और चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। आप कूपन के द्वारा प्रसाद भी ले सकते हैं और भोग लगाने के बाद उसे घर भी ले जा सकते हैं। हम गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके आ गए हैं और आप भी देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं और लंगर ट्राई करते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर भी आ गया है। प्रसाद के रूप में पराठा, दाल और चावल मिला है। चलिए खाते हैं। रास्ते में ही राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है और हम गोल्डन टेम्पल होके आ गए हैं। अब चलते हैं जलियावाला बाग देखने। जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट नाम का कानून का विरोध कर रहे लोगों को जनरल डायल ने गोलियों से भुनवा दिया, जिसमें 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ थिएटर भी बनाया गया है जहाँ आप बैठकर घंटों जलियावाला बाग के बारे में और विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। यहाँ आपको जलियावाला बाग से जुड़ी हर चीज़ मिल जाएगी। दो हजार 2019 में जलियावाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है। अब हम शहीदी कुआं पर आए हैं। आपको बता दें गोलीकांड के दौरान बहुत से लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।
आज भी वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान आपको आसानी से दिख जाएंगे। हम जलियांवाला बाग देखने आए हुए हैं और ये जो पीछे आप मेरे दीवार पे देख रहे हैं ये निशान बने हुए हैं उन्हीं गोलियों का जिसका शिकार लोग हुए थे, जनरल डायर की कुर्ता के उसी के निशान हैं। इस पर भी गोलियों के निशान हैं जो उस समय चले थे और वो पीछे वहाँ दीवार है। बहुत बढ़िया, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बस भी है जो कि सिटी टूर कराती है, 10:30 बजे निकलती है एक और एक 12 बजे के आसपास। किराए की बात करें तो बार्गेनिंग के हिसाब से है, आप 450 से लेके अपने रेट है, आप अपने हिसाब से देख ले सकते हैं। इसके बाद से आपको यहाँ ऑटो शेयरिंग में मिल जाएंगी, प्राइवेट गाड़ियाँ भी चाहेंगे तो मिल जाएगी जो आपको बॉर्डर पे घुमा देगी। गुरुद्वारा और फिर जलियांवाला बाग पास में है, दोनों देख सकते हैं। उसके बाद आप बारगा बॉर्डर जाने के लिए यहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं या बस ले सकते हैं। और फिलहाल हम लोग ने दोनों जगह कवर कर लिया है और ये सामने ही हमारा पाकिस्तान म्यूज़ियम है और चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ इस पार्टीशियन म्यूजियम के अंदर आपको मिल जाएंगी। बात करें टिकट की तो टिकट प्राइस 10 रुपया और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपये है और अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए अंदर की चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता। हमने बाघा बॉर्डर के लिए ऑटो शेयरिंग में बुक कर लिया है जिसका प्राइस 200 रुपये पर पर्सन पड़ा है। तो उन्होंने अभी हमें 2 बजे का टाइम दिया है तो अभी हमारे पास टाइम है तो तब तक चलते हैं और लंच कर लेते हैं। फिलहाल हम आए हैं राज पंजाबी ढाबा पर और हमने रोगन जोश साथ में बटर नान और सैलेड मंगवा लिया है और भूख भी जोड़ों की लग गई है, तो चलिए खाते हैं फिर। भाई साहब कितना बड़ा स्क्रीन है देख रहे हैं। बाघा बॉर्डर जाते वक्त रास्ते में ही लाल देवी मंदिर पड़ता है तो हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ कुछ देर के लिए रोक दिया है, आप अंदर जाइए और दर्शन कर लीजिए। हम दर्शन कर लिए और चलते हैं बाघा बॉर्डर। हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं बाघा बॉर्डर। भाई धूप ज़्यादा है इसलिए बोतल का पानी और सब सामान रखे हुए हैं, देख सकते हैं लाइन कितनी बड़ी है। हमने अपना बैग दुकान के लॉकर पर ही रख दिया है क्योंकि टेम्पू वाले भैया ने बताया कि आपके बैग के साथ एंट्री नहीं होगी सिक्योरिटी रीजन से। बात करें बाघा बॉर्डर पे होने वाली सेरेमनी की टिकट की तो टिकट प्राइस बिल्कुल भी फ्री रहता है और यहाँ की सेरेमनी का टाइमिंग 5:15 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आप वहाँ सीट लेकर बैठ जाए, वहाँ लगे स्क्रीन पे आप पूरी सेरेमनी को आसानी से देख सकते हैं। Ah!
सेरेमनी देख के हम लोग बाहर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसे ही जर्नी मेरे साथ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।